नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ दोस्तों प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया हमारे साथ डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ और नेशनल इनकम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने, करने वाले हैं कंसेप्ट आर कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर कैपिटल इनकम पर्सनल इनकम और डिस्पोजबल इनकम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसके बाद हम देखेंगे जी डिफ्लेटर जी एट करंट प्राइस जी एट कॉन्स्टेंट प्राइस और उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट ये सभी वीडियोज़ आएंगी ठीक है तो आज हम तीन ही कंसेप्ट करेंगे पर कैपिटा इनकम पर्सनल इनकम और डिस्पोजबल इनकम तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये एक एवरेज इनकम ऑफ पर्सन होती है किसी कंट्री के एवरेज इनकम होती है पर्सन की और पर्टिकुलर ईयर में ठीक है उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम को ऑप्टेन कैसे किया जाता है पर कैपिटल इनकम को किया जाता है जो नेशनल इनकम होती है उसको डिवाइड करें जब हम टोटल पॉपुलेशन से तो हमारे पास क्या निकल क्या आती है पर कैपिटा इनकम ठीक है तो ये रिमेंबर रखना है नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन तो क्या आता है पर कैपिटल इनकम पर्सनल इनकम क्या होती है पर्सनल इनकम टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो भी इंडिविजुअल हर एक सोर्सेज से लेते हैं किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर ठीक है जब भी हम अभी हमने डायरेक्ट टैक्सेस और पर्सनल टैक्स नहीं दिए होते हैं उससे पहले जो भी हमारी इनकम होती है उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम सॉरी पर कैपिटा नहीं पर्सनल इनकम ठीक है तो इसमें क्या आते हैं चाहे वो वेजेस हैं सैलरी हैं सेल्फ एम्प्लॉयड अर्निंग है रेंटल इनकम आ गई डेविडेंट आ गया इंटरेस्ट आ गया गवर्नमेंट ट्रांसफ़र आ जाते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या अदर सोर्सेज आ जाते हैं वहाँ से जो इनकम आती है तो वो सारी क्या आती है पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम का फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है तो क्या होता है पर्सनल इनकम फार्मूला नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स ठीक है तो ये है फार्मूला एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे पर्सनल इनकम का नेक्स्ट अगला कंसेप्ट अब हम पढ़ते हैं डिस्पोजेबल इनकम तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है क्योंकि पर्सनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस डायरेक्ट और पर्सनल टैक्सेस ठीक है तो कहीं कहीं करके पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट और पर्सनल टैक्सेस करके दिया होता है तो वो भी आपको रिमेंबर रखना है दूसरा फार्मूला इसका है डिस्पोजेबल इनकम का कंजप्शन प्लस सेविंग्स ठीक है यहाँ पे वाई पी क्या है पर्सनल इनकम है ठीक है रिमेंबर रखोगे तो आज की वीडियो यही होती है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में और इसके और जो मेज़रमेंट हैं उसके बारे में ठीक है तो वीडियो कैसी लगी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेफ्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकती हो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो